नमस्कार, मैं इस समय सुधीर तहरी जी के साथ हूँ। इंडिया का फर्स्ट वेब फेस्टिवल है ये, और आज का पूरा युगी फेस्टिवल मतलब वेब सीरीज पर ही चल रहा है। पहले लोग विज्ञापन में काम करते थे, फिल्मों में करते थे, फिर टीवी में, और आज फिल्म इंडस्ट्री के ज़्यादातर कलाकार वेब सीरीज में ही व्यस्त हैं। तो सर, मेरा आपसे एक निवेदन है, आज जो माहौल चल रहा है, आने वाला जो समय है फिल्मों या टेलीविजन पर असर पड़ेगा, वेब सीरीज बिल्कुल पड़ रहा है, ऑलरेडी पड़ रहा है और पड़ेगा। तो ये जो इसमें टेलीविजन में कहा है, वेब सीरीज में कहा जाता है, कहीं भी कभी भी, मतलब आप मोबाइल पर देख लेते हैं, आजकल यूज पूरा मोबाइल पर है, तो इससे जो यूथ इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या ये वेब सीरीज यूथ के लिए ही प्लेटफॉर्म है, क्या अबव 50 ऐसा कुछ नहीं है? मम्मी भी कोई एज हिसाब से नहीं, लेकिन सर इसमें जो कुछ सेंसरशिप ना होने के कारण इसमें कुछ फैमिली पावर भी लगा है या खुद थोड़ा सेंसरशिप कंटेंट मतलब आपके हिसाब से ठीक है कि और बेटर होता है या अभी जो चल रहा है वो ठीक है? डिजिटल पे ना आपको ग्लोबल कंटेंट, तो आपको सब जगह का सब बेस्ट चीज़ें मिलती है। आपके हिसाब से आप देखिए आपको क्या कंज्यूम करना है, क्या देखना चाहिए, क्या देखिए। मार्केटिंग के हिसाब से भी आज की तारीख में प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टरों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आगे अगर किसी को एक फिल्म का ऑफर आता है कलाकार को, जैसे मैंने अभी जेमी शेरी से प्रश्न किया था कि आपको एक फिल्म का ऑफर आए और दूसरी तरफ आपको वेब सीरीज का एक ऑफर आए, तो आप किसको पसंद करेंगे? तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, मैं इसमें ज़्यादा ज़्यादा पसंद करूँगा। दोनों ठीक है सर, अपने अपनी ऑडियंस ही अलग है, वेब सीरीज़ का ऑडियंस ही अलग है। तो ये जो इस समय चल रहा है कंटेंट वेब सीरीज का, आप अगर कंटेंट अच्छा बनाओगे ना, सिर्फ थिएटर भी चलेगा। मतलब ये हम मान के चले कि आने वाले दिनों में ये 60-70 वाला जो एज ग्रुप है ये भी वेब सीरीज देखेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।